Hi guys, in this video we are going to discuss about numerical solution of ordinary differential equation by the Milnes method or ya Milnes predictor corrector method. फ्रेंड्स ये Milnes predictor corrector method क्यों कहा जाता है? क्यों इस पहले इसमें सॉल्यूशन को प्रेडिक्ट करा जाता है, उसके बाद इसे सॉल्यूशन को करेक्ट करा जाता है. तो देखिए इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, dy / dx = f(x, y). एक इनिशियल कंडीशन गिवन होती है, x नॉट पर y नॉट गिवन होता है और x पर y फाइंड करना होता है. x पर y फाइंड करना होता है, मतलब जैसे कुछ भी दिया हो सकता है आपको, 0.4 है या फिर 0.4 है या 0.8 है, कुछ भी दिया, तो उसे एटलीस्ट फोर इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, उसे फोर इंटरवल्स में से सब फोर इंटरवल में ब्रेक करेंगे. तो फ्रेंड्स देखिए मिलनेस प्रेडिक्टर फार्मूला क्या होता है. तो देखिए मिलनेस प्रेडिक्टर फार्मूला क्या है, देखिए वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन माइनस थ्री प्लस फोर एच अपॉन थ्री टू वाई डैश एन माइनस टू माइनस के वाई डैश एन माइनस वन प्लस टू वाई डैश एन. ठीक है, ये मिलनेस प्रेडिक्टर फार्मूला है. इसे सॉल्यूशन को इसे प्रेडिक्ट करेंगे उससे, और जो सॉल्यूशन आएगा और फिर उसे करेक्ट करेंगे बाई मिलनेस करेक्टर मेथड. तो देखिए मिलनेस करेक्टर में फार्मूला क्या होता है, देखिए वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस एच अपॉन थ्री वाई डैश एन माइनस वन प्लस फोर वाई डैश एन प्लस वाई डैश एन प्लस वन. ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चन के जरिए इसको समझते हैं, जो क्वेश्चन में कैसे फार्मूला पुट करेंगे. तब देखिए यहाँ पर फाइंड वाई 0.4 बाय द मिलनेस मेथड इफ द वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई वाई डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज्यूमिंग वाई जीरो यानी एक्स वाई एट जीरो इज इक्वल टू वन और वाई एट 0.1 इज इक्वल टू 1.11 वाई एट 0.2 इक्वल टू 1.25 वाई एट 0.3 इक्वल टू 1.42 यानी एक्स नॉट इक्वल टू कितना दिया है. देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखिए, यानी 0.4 पर हमें क्या जीरो एक्स 0.4 पर हमें क्या फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है. जैसे अभी हमने बोला था, आप तो एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी कुछ भी आपको, और उसके बाद एक्स पर वाई फाइंड करना होगा. देखिए यहाँ पर एक्स यानी एक्स 0.4 पर हमें वाई फाइंड करना होगा, एटलीस्ट फोर सब इंटरवल्स में ब्रेक करना होगा. तो देखिए इसे एटलीस्ट फोर सब इंटरवल्स में ब्रेक भी करेंगे. तो देखिए पहले वाई कितना दिया, ये एज्यूमिंग डेट वाई यानी एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो और वाई नॉट इज इक्वल टू वन. ठीक है, और ये कितना दिया है, एक्स वन इज इक्वल टू 0.1 और वाई वन इज इक्वल टू 1.1. ठीक है, और ये देखिए एक्स ये एक्स वन एक्स नॉट हो गया, एक्स वन हो गया. अब देखिए एक्स टू इक्वल टू 0.2 और एक्स टू इक्वल टू 0.2 और वाई टू इक्वल टू 1.25. ठीक है, और एक्स थ्री इक्वल टू 0.23 और वाई थ्री इक्वल टू 1.42. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक्स जो दिया है वो हमने नोट कर लिया, इधर एक टेबल बना ली, इधर एक इधर बना ली. ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और वाई नॉट इक्वल टू वन. अब देखिए एक्स नॉट एक्स वन इक्वल टू 0.1 और वाई वन इक्वल टू 1.1 और एक्स टू इक्वल टू 0.2 वाई टू इक्वल टू 1.25 एक्स थ्री इक्वल टू 0.3 और वाई थ्री इक्वल टू 1.42. अब देखिए एक्स फोर इक्वल टू 0.4 यानी एक्स फोर इक्वल टू 0.4. अब ये हमसे पूछ क्या रहा था, एक्स फोर इक्वल टू 0.4 पर वाई फोर पूछ रहा था. ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0.4 पर हमसे वाई फोर हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो अभी ये हमने फाइंड कर ली पहले से, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं एक्स फोर यहाँ पर हमें कितना करना है, यानी एक्स फोर यानी एक्स इक्वल टू 0.4 पर हमें वाई फाइंड करना है. वाई कैसे फाइंड करेंगे, भाई मिलनेस प्रेडिक्टर पहले फार्मूले द्वारा प्रिडिक्ट करेंगे और उसके बाद उसे जो वैल्यू आएगी उसे क्या करेंगे, भाई मिलनेस करेक्टर मेथड द्वारा उसे करेक्ट करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, वाई नॉट डैश निकाल लेंगे. ठीक है, वाई नॉट डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू फंक्शन कितना गिवन है, मैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना, ये वाई डैश इक्वल टू फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी वाई नॉट में निकालना है यानी. ठीक है, तो वाई नॉट डैश इक्वल टू हमारा फंक्शन कितना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू हमारा फंक्शन है कितना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी वाई नॉट का होल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर. ठीक है, वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, वन, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो यानी हमारा ये कितना आ गया, वाई नॉट डैश हमारा आ गया वन. ठीक है, अब देखिए अगला, अब देखिए यहाँ पर हमें वाई वन डैश निकालना, वाई वन डैश निकालने के लिए क्या करा जाएगा, देखिए या फिर फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए वाई वन डैश निकालने के लिए हमारा फंक्शन कितना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. ठीक है, तो वाई नॉट वाई वन डैश का होल स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर. ठीक है, देखिए वाई वन डैश निकालने के लिए फंक्शन हमारा कितना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यानी यहाँ पर हमें वाई वन निकालना, तो यानी वाई वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो यानी वाई वन का मान कितना है, 1.11 और इसका मान कितना है, एक्स वन का मान कितना है, 0.1, तो इसका दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे और उसका
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.221 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखिए वाई टू डैश निकालना है। देखिए अब जब वाई टू डैश निकालना है तो वाई टू डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कमा वाई टू। ठीक है, फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा एफ ऑफ वाई टू डैश निकालना है तो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स टू कमा वाई टू। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन हमारा है कितना है, मतलब हमें गिवन कितना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी वाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, तो यानी वाई टू की वैल्यू कितनी है यानी 1.25। ठीक है, और देखिए x2 की वैल्यू कितनी है 0.2, यानी 1.25 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, तो यानी इसको इसको सॉल्व जब करेंगे तो 1.5225 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली इसी प्रकार जब हम y3 निकालेंगे तो y3 डैश, जब y3 डैश निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए तो एफ ऑफ एक्स थ्री कमा वाई थ्री। ठीक है, एफ ऑफ एक्स थ्री कमा वाई थ्री, वाई थ्री डैश निकालने के लिए तो देखिए यहाँ पर हमारा फंक्शन है कितना, तो वाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस एक्स थ्री का होल स्क्वायर, और वाई थ्री कितना है देखिए 1.42 और 1.42 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 का होल स्क्वायर, तो इसको उसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.92264 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमसे बोल लिया था, ये कह रहा था x 0.4 पर, देखिए x 0.4 पर हमें क्या निकालना है y4 निकालना है, तो हमें देखो अभी x 0.4 पर y4 तो मालूम नहीं है क्योंकि हमें y4 तो फाइंड करना है यहाँ पर, क्योंकि अब हमने मतलब पहले फाइंड कर रखा है तो लिख रखा है यहाँ पर है, मान लिया यहाँ पर अभी। अब देखिए यहाँ पर हमें इतना देखिए x यानी 0. देखिए यहाँ पर कितना दिया x3 इक्वल टू कितना है 0.3 है, y3 इक्वल टू 0.142 है। ठीक है, अब देखिए x4 इक्वल टू कितना दिया है, x4 इक्वल टू हमें कितना दिया 0.4 दिया है ऊपर, y एड देखिए x4 इक्वल टू में कितना दिया है, x4 इक्वल टू में दिया है 0.4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम x4 इक्वल टू में 0.4 दिया, इस पर हमें क्या निकाल कर फाइंड करना है y फाइंड करना है, तो देखिए x4 इक्वल टू 0.4 दिया है और हमें इस पर y फाइंड करना, तो हमें y को 4 की तो वैल्यू फाइंड नहीं मालूम नहीं है, तो इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे, किससे निकालेंगे बाई मिलनेस प्रेडिक्टर मेथड से निकालेंगे। तो देखिए अब देखिए हमने y3 डैश निकाले लेकिन y4 डैश नहीं निकाल सकते, यहाँ से क्यों नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें y4 की वैल्यू पता होना चाहिए, पहले y4 की वैल्यू पता होगी यानी y4 डैश y4 का होल स्क्वायर माइनस के x4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ कहाँ निकाल सकते हैं y4 डैश निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें y4 की वैल्यू नहीं पता, जब y4 की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम y4 डैश निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले हम y4 की वैल्यू को पता करते हैं, किसके मेथड द्वारा, बाई मिलनेस प्रेडिक्टर मेथड द्वारा। देखिए मिलनेस प्रेडिक्टर मेथड द्वारा पता करते हैं वैल्यू को, देखिए बाई मिलनेस प्रेडिक्टर फार्मूला क्या होता है, y n + 1 = y n - 1 y n + 1 = y n - 3 + 4h / 3 + 2y - n - 2 - y n - 1 + 2y - n। ठीक है, ये इसका फार्मूला है बाई मिलनेस प्रेडिक्टर मेथड द्वारा। ठीक है, इससे हम पहले सॉल्यूशन को प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे y, अब देखिए एटलीस्ट 4 in 7 इंटरवल, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है y4 निकालना है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालना है, यहाँ पर वैल्यू हमें निकालना है किसकी, y4 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें y4 की वैल्यू निकालने के लिए तो n इक्वल टू कितना रखें, यहाँ पर n इक्वल टू में रखना होगा 3। ठीक है, n इक्वल टू कितना रखा होगा, हमें 3 रखना होगा यहाँ पर। देखिए अगर हमें y4 निकालना है यहाँ पर से, y4 निकालने के लिए हमें कितना रखा होगा, n इक्वल टू 3 रखना होगा, जब n इक्वल टू 3 रख देंगे तो n3 + 1 यानी y4 हो जाएगा हमारा, हमें y4 ही निकालना है, तो y4 हमें यहाँ से मिल जाएगा, देखिए n इक्वल टू 1 + यानी 3 + 1 यानी 3 + 1 यानी y4, तो देखिए यहाँ पर 3 - 3 यानी y0 और +4h / 3, देखिए यहाँ पर 2y - यहाँ पर 3 - 2 यानी y-1, अब देखिए यहाँ से y-3 - 1 यानी कितना y-2 यानी, ठीक है, यहाँ पर देखिए y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए +2y - यहाँ से कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 3 है यानी n इक्वल टू 3 रखा था हमने, तो y-3 हो जाएगा। तो देखिए y4 = y0 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है। ठीक है, y0 की वैल्यू 1 है +4 × h की वैल्यू 0.1/3 है +2 × y - की वैल्यू कितनी निकाली, y1 - की वैल्यू निकाली थी हमने, देखिए y1 - की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1.221 निकाली। ठीक है, h की वैल्यू कितनी 0.1 है, कैसे 0.1 है, देखिए डिफरेंस देख लीजिए, यानी 0.4 - 0.3 0.1, 0.3 - 0.2 यानी 0.1, और देखो 0.2 - 0.1 यानी 0.1, 0.1 - 0.1 - 0 यानी 0.1 यानी h की वैल्यू डिफरेंस कितना हमारा आया, इज इक्वल टू b - a यानी कितना आ गया 0.1 यानी डिफरेंस हमारा h तो 0.1 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से इसकी वैल्यू रख ली, y0 इक्वल टू कितना, y0 इक्वल टू 1 है, तो देखिए हमने y0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी 1 रख ली। ठीक है, +4 × h की वैल्यू कितनी 0.1/3 +2 × y - की वैल्यू कितनी, y1 - की वैल्यू कितनी है 1.221, ठीक है वो भी रख लिया हमने। ठीक है, माइनस y2 - की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से y2 की निकाली, कैसे निकाली, y2 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यानी y2 मिल गया हमें, तो यहाँ से हमें इस वैल्यू कितनी मिली इसकी, -1.5225। ठीक है, अब देखिए +2 × y3 की वैल्यू कितनी हमने निकाली, यहाँ y3 वैल्यू यानी इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, y3 का होल स्क्वायर माइनस x3 का होल स्क्वायर, ये हमारा कितना आ गया 1.92264 आ गया। ठीक है, तो y3 रख दिया, अब देखिए यहाँ पर से 1 और प्लस इसको इसको मल्टीप्लाई करा और डिवाइड कर दिया तो 0.133 आ गया। ठीक है, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करी ये आ गया, और उसके बाद इसको सोल्व करा तो ये आ गया 0.9217 + 3.8528। ठीक है,
यहाँ पर से देखिए इसको इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू, तो 1 + 0.133, ठीक है। और देखिए मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इसको इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगी ये 4.76478, और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो 1.6362 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा Y4 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, Y4 आ गया। अब देखिए जब Y4 हमारी वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो ये हमारी Y4 वैल्यू आ गई, ये हमारी क्या आ गई, Y4 वैल्यू आ गई, तो ये Y4 आ गई। देखिए हमें X3 तो पहले था, X4 तो हमें पहले से पता था, अब हमें Y4 ही पता चल गया। Y4 कितना हमारा आया, देखिए 1.6362 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए Y4 डैश निकालने के लिए हम क्या करते थे, यानी Y4 डैश का Y4 का होल स्क्वायर माइनस X4 का होल स्क्वायर, यानी Y4 डैश एफ ऑफ X4 का Y4 X4 तो कलू हमें कितना दिया 0.4 है, यानी X 0.4 पर हमें Y को फाइंड करना था ना, तो Y हमारा आ गया Y4 जो हमें फाइंड करना था, यानी Y3 में दिग्विन था, Y4 ही फाइंड करना था, तो Y4 हमें कितना निकालना था 1.6362। देखिए अब हमें क्या करना है, Y4 डैश निकालना है, तो देखिए Y4 डैश निकालने के क्या है, यानी Y4 का होल स्क्वायर माइनस X4 का होल स्क्वायर, यानी Y4 की वैल्यू कितनी निकाली 1.6362 का होल स्क्वायर, और माइनस X4 0.4 का होल स्क्वायर, यानी कितना हमें इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5184। अब देखिए ये हमारा सोल्यूशन Y4 डैश आ गया हमारा कितना 2.5184। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भाई मिलनेस करेक्टर मेथड द्वारा करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई मिलनेस करेक्टर मेथड द्वारा करेक्ट कर ले रहे हैं, करेक्ट भाई मिलनेस करेक्टर में फार्मूला, ठीक है। तो yn+1 = yn-1 + h/3 y-n-1 और +4 y-n और +y-n+1, ठीक है। तो देखिए अब देखिए n = क्या हमें निकालना है, y4 निकालना है ना, y4 निकालना है वैल्यू, तो y4 = अब देखिए n = कितना रखा जाएगा 3, तो यानी yn-1 है, तो यानी y2 और +h/3 कितना हो जाएगा h/3। अब देखिए y-n- यानी y- और यानी 4-1 यानी y-4 3-1 यानी 2y-2 +4 × y3- और +y4-, ठीक है, यानी 3+1 यानी y4-, तो 1 y2 की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, y2 वैल्यू 1.25, ठीक है, गिवन है हमें y2 की वैल्यू। देखिए y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 1.25 है, हमने रख ली y2 की वैल्यू। अब देखिए उसके बाद y2 की वैल्यू 1.25 है, h की वैल्यू 0.1 है, 3 दिया है, y2- की वैल्यू हमने निकाली 1.5225, ठीक है, +4 × y3- की वैल्यू हमारी थी 1.9264, ठीक है, यानी y3- और उसके देखिए y4- की अभी निकाली मैंने 2.5184, ठीक है, 2.5184 निकाली, ठीक है, 1.25 यानी इसको इसको जब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.033 आ जाएगा, इसको इसको 1.52 हो जाएगा, इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7.7056 आ जाएगा, ये 2.5184 आ गया, इसको जब सोल्व करेंगे तो y4 हमारा आ जाएगा 1.6415, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना था, हमसे एक बोल रहा था x 0.4 पर, यानी x 0.4 पर y4 याद करना था, यानी y8 0.4 पर हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कह रहा था y8 0.4 पर हमें क्या बात करना है भाई, मिलनेस मेथड द्वारा y फाइंड करना है, ठीक है, y फाइंड करना है, तो x 0.4 पर यानी सब 0.3 पर गिवन था हमें, 0.3 पर 1.42 यानी 0.4 पर फाइंड करना था, तो 0.4 पर हमारा जो y निकल के आया भाई मिलनेस करेक्टर मेथड द्वारा, तो हमारा क्या है 1.64155, यानी y8 0.4 = y4 = 1.64155।